हिंदी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? इस विषय में विद्वानों में मतभेद है और यह विवाद अभी भी बना हुआ है। विद्वान हिंदी भाषा में लिखी कहानी को लेकर एकमत नहीं है। कई कहानियों को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। कुछ विद्वान सैयद इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूं सैयद इंशाअल्लाह खां की साहित्य हिंदी की पहली कहानी। शीर्षक है रानी केतकी की कहानी। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बाद में वह कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया। आतियां जातियां जो सांसें हैं उसके बिन ध्यान यह सब फांसे हैं। यह कल का पुतला जो अपने उस खिलाड़ी की सुद रखे तो खटाई में क्यों पड़े और कड़वा कसैला क्यों हो। उस फल की मिठाई चखे जो बड़े से बड़े अगलों ने चखी है। देखने को दो आंखें दी और सुनने के दो कान, नाक भी सब में ऊंची कर दी मर्तों को जी जान। मिट्टी के बासन को इतनी सकत कहां जो अपने कुम्हार के कर्तव्य कुछ तार सके। सच है, जो बनाया हुआ हो सो अपने बनाने वालों को क्या सराहे और क्या कहे। यूं जिसका जी चाहे पड़ा बके, सिर से लगा पांव तक जितने रोंगटे हैं, जो सबके सब बोल उठे और सराहा करें और उतने बरसों उसी ध्यान में रहें जितनी सारी नदियों में रेत और फूल फलियां खेत में हैं, तो भी कुछ ना हो सके, कराहा करें। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूं उस अपने दाता के भेजे हुए प्यार को जिसके लिए यो कहा है। जो तू न होता तो मैं कुछ न बनाता, और उसका चचेरा भाई जिसका ब्याह उसके घर हुआ उसकी सूरत मुझे लगी रहती है। मैं फूला अपने आप में नहीं समाता और जितने उनके लड़के वाले हैं उन्हीं को मेरे जी में चाह है, और कोई कुछ हो मुझे नहीं भाता। मुझको उम्र घराने छूट किसी चोर ठग से क्या पड़ी। जीते और मरते आसरा उन्हीं सबों का है और उनके घर का रखता हूं तीसों घड़ी। डॉल डाल एक अनोखी बात का। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बुढ़े धाग या खटराग लगाए, सिर हिलाकर मुंह थुथाकर नाक भी चढ़ाकर आंखें फिराकर लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदीवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो, बस जैसे भले लोग अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डॉल रहे और छा किसी की न हो। यह नहीं होने का, मैंने उनकी ठंडी सांस का ठहोका खाकर झुंझला कर कहा। मैं कुछ ऐसा बड़बोला नहीं जो राई को पर्वत दिखाऊं और झूठ सच बोलकर उंगलियां नचाऊं और बेसिर बे ठिकाने की उलझी सुलझी बातें सुनाऊं। जो मुझसे न हो सकता तो यह बात मुंह से क्यों निकालता, जिस ढप से होता इस बखेड़े को टालता। इस कहानी का कहने वाला यहां आपको जताता है और जैसा कुछ उसे लोग पुकारते हैं कह सुनाता है। दहना हाथ मुंह पर फेर कर आपको जताता हूं
जो मेरे दाता ने चाहा, तो यह ताव भाव राव चाव और कूद फांद लपट झपट दिखाऊं, जो देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से भी बहुत चंचल अल्हड़पन में है, हिरन के रूप में अपनी चौकड़ी भूल जाए। टुक घोड़े पर चढ़ के अपने आता हूँ मैं, कर्तव्य जो कुछ है कर दिखाता हूँ मैं। उस चाहने वाले ने जो चाहा तो अभी, कहता जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ मैं। अब आप कान रख के आंख मिला के सन्मुख होके टुक इधर देखिए, किस ढंग से बढ़ चलता हूँ और अपने फूल की पंखुड़ी जैसे होठों से किस किस रूप के फूल उगलता हूँ। कहानी के जोबन का उभार और बोल चाल की दुल्हन का सिंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदय भान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की ज्योत में सूरज की एक स्रोत आ मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पांव रखा था। कुछ यों ही सी मसे भीनती चली थी, पर किसी बात के सोच का घर घाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अटखेल और अल्हड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में जो एक हिरनी उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सब छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ा उसको पा सकता था? जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब कुंवर उदयभान भूखा प्यासा उनीधा जम्हाइयां अंगड़ाइयां लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयां देख पड़ी तो उधर चल निकला, तो देखता है वो 40-50 रंडियां एक से एक जोबन में अगली झूला डाले पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। जो ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन की चिंघार सी पड़ गई। उन सबों में से एक के साथ उसकी आंख लग गई। कोई कहती थी वह उचक्का है, कोई कहती थी एक पक्का है। वही झूलने वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहती थी, उसके भी जी में उसकी चाह ने घर किया, पर कहने सुनने को बहुत सी नाह नूह की और कहा। इस लग चलने को भला क्या कहते हैं, हक न धक जो तुम झट से टहक पड़े। यह न जाना यह रंडियां अपने झूल रही हैं। अजी तुम तो इस रूप के साथ इस रव भेदड़क चले आए हो, ठंडे ठंडे चले जाओ। तब कुंवर ने मसोस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाइयां न कीजिए, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छांव में ओस का बचाव करके पड़ा रहूंगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं, एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था, कोई घोड़ा उसको पा सकता था? जब तलक उजाला रहा उसके ध्यान में था, जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी जो माथा ठनक जाता और रुक जाता। सिर उठाए हाफता चला आया, क्या जानता था वहां पद्मिनियां पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही हैं। पर यूं बदी थी, बरसों मैं भी झूल करूंगा। यह बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिरधरी थी उसने कहा, हां जी बोलियां ठोलियां न मारो और इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़े रहें और जो कुछ खाने को मांगे इन्हें पहुंचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डौल, गाल तमतमाए और होठ पड़पड़ाए और घोड़े का हांफना और जी का कांपना और ठंडी सांसें भरना और निढाल हो गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचौटी की कोई छिपती नहीं।
पर हमारे इनके बीच कुछ ओट कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे जो कोने में 5-7 पौधे थे उनकी छाव में कुंवर उदयभान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिरहाने धर कर चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी, पड़ा पड़ा अपने जी से बातें करता रहा। जब रात साए साए बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रही, रानी केतकी ने अपनी सहेली मदन बान को जगा कर यूं कहा, अरे ओ तूने कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया है और किसी डॉल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है, अब होनी जो हो सो हो, सिर रहता है रहे, जाता है जाए, मैं उसके पास जाती हूँ, तू मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूँ, कोई सुनने न पाए। अरे यह मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया, मैं इसी जी में इस अमराइयों में आई थी। रानी केतकी मदन बान का हाथ पकड़े हुए वहां आन पहुंची, जहां कुंवर उदयभान लेटे हुए कुछ कुछ सोच में बड़बड़ा रहे थे। मदन बान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जानकर रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदयभान यह सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों न हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी दोनों चुपचाप बैठे, पर मदन बान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते रानी का वह पता खुला कि राजा जगत प्रकाश की बेटी हैं और उनकी मां रानी कामलता कहलाती हैं। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमराइयों में जाकर झूलाया करो, आज वही दिन है, सो तुमसे मुड़भेड़ हो गई। बहुत महाराजाओं के कोरों से बात आई, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुपके, मैं जो उनके लड़कपन की गुइया हूं, मुझे अपने साथ लेके आई हैं। अब तुम अपनी बीती कहानी कहो, तुम किस देश के कौन हो? उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और मां रानी लक्ष्मीबास हैं। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी अचरज और अचंभे की बात नहीं, यूं ही आगे से होता चला आया है, जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जोर तो टटोल लेते हैं। दोनों महाराजाओं को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ा चाहिए। इसी में मदन बान बोल उठी, सो तो हुआ, अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर लो और आपस में लिखौती लिख दो, फिर कुछ हिचर मिचर न रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी केतकी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदन बान बोली, जो सच पूछा तो इतनी भी बहुत हुई, मेरे सिर चोट है, इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं, अब उठ चलो और इनको सोने दो, और रोए तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी, पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेके जिधर से आई थी उधर को चली गई, और कुंवर उदयभान अपने घोड़े को पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलके अपने घर पहुंचे। पर कुंवर जी का रूप क्या कहूं, कुछ कहने में नहीं आता, न खाना न पीना न मक चलना न किसी से कुछ कहना न सुनना, जिस स्थान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते लोगों में इस बात की चर्चा फैल गई, किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, कुछ दाल में काला है, वह कुंवर बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं, घर से बाहर पांव नहीं धरना, घर वालियां जो किसी डॉल से बहलातियां हैं तो और कुछ नहीं करना, ठंडी ठंडी सांसें भरता है, और बहुत किसी ने छेड़ा तो छपर कट पर जाके अपना मुंह लपेट के 8-8 आंसू पड़ा रोता है। यह सुनते ही कुंवर उदयभान के माँ बाप दोनों दौड़े आए, गले लगाया, मुंह चूम पांव पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपने जी की बात है सो कहते क्यों नहीं, क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े करहाते हो, राजपाट जिसको चाहो दे डालो, कहो तो क्या चाहते हो,
तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वह क्या है जो हो नहीं सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो, जो कुछ कहने से सोच करते हो अभी लिख भेजो, जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आएगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी गिर पड़ते हैं, कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदयभान जो बोलते ही न थे, लिख भेजने का आसरा पाकर इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूं, पर मेरे उस लिखे को मेरे मुंह पर किसी ढब से न लाना, इसलिए मैं मारे लाज के मुखपाट होके पड़ा था और आपसे कुछ न कहना था। यह सुनकर दोनों महाराज और महारानी अपने स्थान को सिधारे। तब कुंवर ने यह लिख भेजा, अब जो मेरा जी होठों पर आ गया और किसी डौल न रहा गया, और आपने मुझे सौ सौ रूप से खोल और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घिघिया के यह लिखता हूं, चाह के हाथों किसी को सुख नहीं, है भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, एक हिरनी मेरे सामने कनौतियां उठाए आ गई, उसके पीछे मैंने घोड़ा बकछुट फेंका, जब तक उजाला रहा उसकी धुन में बहका किया, जब सूरज डूबा मेरा जी बहुत उबा, सुहानी सी अमराइयां ताड़ के मैं उसमें गया तो उन अमराइयों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहां का यह सौलिया है, कुछ रंडियां झूला डाले झूल रही थी, उनकी सिरधरी कोई रानी केतकी महाराज जगत प्रकाश की बेटी है, उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी, सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुंचती है। अब आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए सो कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा, हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आंखों से मला, अब तुम इतने कुछ कुढ़ो पचो मत, जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं, दोनों राज एक हो जाएंगे, और जो कुछ ना नू ठहरेगी तो जिस डॉल से बन आवेगा ढाल तलवार के बल पर तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो, खेलो कूदो बोलो चालो आनंदे करो, अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारी ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बात चित चाही ठीक कर लावे, और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त देख के रानी केतकी के माँ बाप के पास भेजा। ब्राह्मण जो शुभ मुहूर्त देखकर हड़बड़ी से गया था, उस पर बुरी घड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के माँ बाप ने कहा, हमारे उनके नाता नहीं होने का है, उनके बाप दादे हमारे बाप दादे के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे, और टुक जो तेवरी चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे, क्या हुआ जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए, जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावे वह महाराजाओं का राजा हो जावे, किसी का मुंह जो यह बात हमारे मुंह पर लावे। ब्राह्मण ने जल भुन कर कहा, अगले भी विचारे ऐसे ही कुछ हुए हैं, राजा सूरज भान भी भरी सभा में कहते थे, हम में उनमें कुछ गोद का तो मेल नहीं, यह कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती, नहीं तो ऐसी ओछी बात कब हमारे मुंह से निकलती। यह सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की चंगेर फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझको अभी चक्की में दलवा डालता, और अपने लोगों से कहा, इसको ले जाओ और ऊपर एक अंधेरी कोठरी में मुद रखो, जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब उदयभान के माँ बाप ने सुनी। सुनते ही लड़ने के लिए अपना ठाट बांध के भादों के दल बादल जैसे घिर आते हैं चढ़ाया,
जब दोनों महाराजाओं में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी की सावन भादों के रूप रोने लगी और दोनों के जी में यह आ गई, यह कैसी चाहत जिसमें लोह बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है, दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो, किसी डॉल से जो हो सके तो मुझे अपने पास बुला लो, हम तुम मिलके किसी और देश निकल चलें, होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन जिसको फुलकली कर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखुड़ी में लपेट लपेट कर रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी को अपनी आंख लगाया और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से यह लिखा, ए मेरे जी के ग्राहक, जो तू मुझे बोटी बोटी करके चील कौओं को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन और कलेजे सुख हों, पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं, इसमें एक बाप दादे के चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आता है उसी डॉल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारे और सिर के किसी के चिपक न दें, तब तक यह एक जो तो क्या, जो करोण जी जाते रहे तो कोई बात हमें रुचती नहीं। वह चिट्ठी जो बिस भरी कुंवर तक जा पहुंची, उस पर कई एक थाल सोने के हीरे मोती पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है और जितनी उसे बेचैनी थी उससे चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उस चिट्ठी को अपने उस गोरे दंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्र गिर का कैलाश पहाड़ पर से और कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप को हिरनी हिरन कर डालना, जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए, महाकठिन विपता भार हम पर आ पड़ी है, राजा सूरज भान को अब यहाँ तक बाँव बहकने लिया है जो उन्होंने हमसे महाराजाओं से डॉल किया है, सराहना जोगी जी के स्थान का, कैलाश पहाड़ जो एक डॉल चांदी का है उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु जिसको महेंद्र गिर सब इंद्र लोक के लोग कहते हैं, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात लगा रहता था, सोना रूपा तांबे रांगे का बनना तो क्या और गुटका मुंह में लेकर उड़ना परे रहे, उसको और बातें इस सब ढब की ध्यान में थी जो कहने सुनने से बाहर हैं, मैं सोने रूपे का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना सब कुछ उसके आगे खेल था, गाने बजाने में महादेव जी छूट सब उसके आगे कान पकड़ते थे, सरस्वती जिसकी सब लोग कहते थे उनने भी कुछ कुछ गुनगुनाना उसी से सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागनियां 8 पहर रूप बंदियों का सा धरे हुए उसकी सेवा में सदा हाथ जोड़े खड़ी रहती थी और वहां अतीतों को गिर कहकर पुकारते थे, भैरव गिर विभास गिर हिंडोल गिर मेघनाथ केदारनाथ दीपक सेन ज्योतिष रूप सारंग रूप, और अतीत ने उस ढब से कहलाती थी, गुजरी ठोड़ी असावरी गौरी मालसिरी बिलावली जब चाहता अधर में सिद्धासन पर बैठे उड़ाए फिरता था और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए गेरुए वस्त्र पहने जठा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस खड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगला उसके घर पहुंचा देता है, गुरु महेंद्र गिर एक चिंगाड़ मार कर दल बादलों को ढलका देता है। बगंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पढ़त करता हुआ बाव के घोड़े भी पीठ लगा और सब अतीत मृगछालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे,
गोरख जागा और मुछंदर भागा। एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है जहां दोनों महाराजाओं में लड़ाइयां हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई, किसी को अपनी सुध न रही। राजा सूरज भान के जितने हाथी घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ थी, कुछ न समझा कि क्या किधर गई और उन्हें कौन उठा ले गया। राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। जब यह सब हो चुका तो गुरुजी ने अतिथियों से कहा, उदय भान, सूरज भान, लक्ष्मी बास, इन तीनों को हिरनी हिरन बना के किसी वन में छोड़ दो और जो उनके साथी हों उन सबों को तोड़ फोड़ दो। जैसा गुरुजी ने कहा झटपट वही किया। विपत का मारा कुंवर उदय भान और उसका बाप वह राजा सूरज भान और उसकी माँ लक्ष्मी बास हिरन हिरनी बन गए। हरी घास कई बरस तक चरते रहे और उस भीड़ भाड़ का तो कुछ थल बेड़ा न मिला। किधर गए और कहाँ थे, बस यहाँ के यहीं रहने दो। फिर सुनो, अब रानी केतकी के बाप महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज यह आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख लिया। जो आज आप न पहुंचते तो क्या रहा था, सबने मर मिटने की ठान ली थी। इन पापियों से कुछ न चलेगी, यह जानते थे। राजपाट हमारा अब निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। राज हमसे नहीं थम सकता, सूरज भान के हाथ से आपने बचाया। अब कोई उनका चाचा चंद्रभान चढ़ावेगा तो क्यों कर बचाना होगा, अपने आप में तो सकत नहीं। फिर ऐसे राज का फिट्टे मुंह कहां तक आपको सताया करे। जोगी महेंद्र गिरी ने यह सुनकर कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंदे करो, दंदनाओ, सुख चैन से रहो। अब वह कौन है जो तुम्हें आंख भर कर और ढप के देख सके। वह बगंबर और यह भभूत हमने तुमको दिया, जो कुछ ऐसी गाढ़ पड़े तो इसमें से एक रोंगटा तोड़ आग में फूंक दीजियो। वह रोंगटा फूकने से पावेगा जो बात की बात में हम आप पहुंचे रहा भभूत। सो इसीलिए है जो कोई इसे अंजन करे वह सबको दिखे और उसे कोई न दिखे, जो चाहे सो करे। जाना गुरु जी का राजा के घर। गुरु महेंद्र गिर के पांव पूजे और धन धन महाराज कहे। उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मुरछल करते हुए अपनी रानियों के पास ले गए। सोने रूपे के फूल गोद भर भर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठें ठोकी। रानी केतकी ने भी गुरुजी को दंडवत की, पर जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रात यहां रहकर जगत प्रकाश को सिंहासन पर बैठाकर अपने बगंबर पर बैठ उसी डॉल से कैलाश पर आ धमके और राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढप से राज करने लगा। रानी केतकी का मदन बान के आगे रोना और पिछली बातों को ध्यान कर जान से हाथ धोना। दोहरा अपनी बोली की धुन में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कब सूझती कुछ बुरी भली थी। चुपके चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी अरी मदन बान है आठ पर मुझे नहीं ध्यान, या प्यास किसे किसे भला भूख, देखूं वही फिर हरे हरे रुख। टपके का डर है अब यह कहिए, चाहत का घर है अब यह कहिए। अमराइयों में उनका वह उतरना और रात का साए साए करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना और तेरा वह चाह का जताना। उनकी वह उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आंखों में मेरे वह फिर रही है
जी का जो रूप था वही है। क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं, माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है ऐ मदन बान, बन बन के हिरन हुए उदय भान। चरते होंगे हरी हरी दूब, कुछ तू भी पसी सोच के डूब। मैं अपनी गई हूँ चौकड़ी भूल, मत मुझको सुंघा यह डह डहे फूल। फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, सौ टुकड़े हुआ मेरा कलेजा। बिखरे जी को न कर इकट्ठा, एक घास का ला दे रख दे गट्ठा। हरियाली उसी की देख लूं मैं, कुछ और तो तुझको क्या कहूं मैं। इन आंखों में है फड़क हिरन की, पलके हुई जैसे घास वन की। जब देखिए डब डबा रही हैं, ओसे आंसू की छा रही हैं। यह बात जो जी में गड़ गई है, एक ओस सी मुझ पे पड़ गई है। इसी डॉल जब अकेली होती तो मदन वान के साथ ऐसे कुछ मोती पिरोती तो। रानी केतकी का चाहत से बेकल होना और मदन वान का साथ देने से ना ही करना, और लेना उसी भभूत का जो गुरुजी दे गए थे आंख मिचौबल के बहाने अपनी माँ रानी कमललता से। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कमललता को भुलावे में डालकर यूं कहा और पूछा, गुरुजी गुस्साई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया है वह कहाँ रखा है और उससे क्या होता है। रानी कमललता बोल उठी, आंख मिचौवल खेलने के लिए चाहती हूँ। जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको कोई पकड़ न सके। महारानी ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रहते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात पर अपना मुंह थुथाकर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रुचि नहीं। तब रानी कमललता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी, तुम्हारी बेटी आंख मिचौवल खेलने के लिए वह भभूत गुरु जी का दिया मांगती है। मैंने न कह दिया और कहा, लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं, किसी बुरे दिन के लिए गुरु जी गए हैं, इसी पर मुझसे रूठी है, बहुतेरा बहलाती हूँ मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत तो क्या, मुझे अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। मुझे उसके एक पहर के बहल जाने पर एक जी तो क्या, जो करोड़ जी हो तो दे डाले। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा भभूत दिया। कई दिन तलक आंख में चौवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही, जो सौ सौ थाल मोतियों के निछावर हुआ किए। क्या कहूं, एक चुहल थी, जो कहिए तो करोड़ पोथियों में जो कि त्यों ना आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेकल होना और मदन बान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदन बान से यूं बोल उठी, अब मैं निगोड़ी लात से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदन बान ने कहा, क्यों कर। रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे बताया और यह सुनाया, यह सब आंख मिचौवल के झाई झप्पे मैंने इसी दिन के लिए कर रखे थे। मदन बान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा, अरे यह माना, जो तुम अपनी आंखों में उस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगी। पर ऐसी हम कहां जी चली हैं, जो बिन साथ जो बन लिए बन बन में पड़ी भटका करें और हिरनों की सींगों पर दोनों हाथ डालकर लटका करें, और जिसके लिए यह सब कुछ है सो वह कहां। और होए तो क्या जाने, यह रानी केतकी और यह मदन बान निगोड़ी नोची खसोटी उजड़ी उसकी सहेली है, चूल्हे और भाड़ में जाए यह चाहत, जिसके लिए आपकी माँ बाप का राजपाट सुख नींद लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल, जो वह अपने रूप में होते तो भला थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, यह तो हमसे ना हो सकेगा, जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी काम लता का हम जान बूझकर घर उजाड़ें और इनकी जो इकलौती लाडली बेटी है उसको भगा ले जाएं और जहां तहां उसे भटकावे और बनास्पति खिलावे और अपने घोड़ों को हिलावे। जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी तो उनने
उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, जो मुझे अपने पास बुला लो, महाराजाओं को आपस में लड़ने दो, जो होनी सो हो, हम तुम मिलके किसी देश को निकल चलें। उस दिन न समझी, तब तो यह ताव भाव दिखाया। अब जो वह कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप तीनों जी हिरनी हिरन बन गए, क्या जाने किधर होंगे। उनके ध्यान पर इतनी कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने में न की, अच्छी नहीं। इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी, मुझसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलता, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्लड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर यह भभूत, जो बह गया निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवा कर छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने यह रुखाइयां मदन बान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर जो माँ बाप राज पाठ लाज छोड़कर हिरन के पीछे दौड़ती कर छाले मारती फिरूं। पर अरे तू तो बड़ी बावली चिड़िया है, जो यह बात सच जानी और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत लगाकर बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदन बान के वह भभूत आंखों में लगा के घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में आता नहीं, जो माँ बाप पर हुई सबने यह बात ठहराई। गुरुजी ने कुछ समझ कर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाठ उस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ को चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने आंखों में से राज थामने को छोड़ गए। बहुत दिनों पीछे एक दिन महारानी ने महाराज जगत प्रकाश से कहा, रानी केतकी का कुछ भेद जानती होगी तो मदन बान जानती होगी, उसे बुलाकर तो पूछो। महाराज ने उसे बुलाकर पूछा तो मदन बान ने सब बातें खोलियां। रानी केतकी के माँ बाप ने कहा, अरे मदन बान, जो तू भी उसके साथ होती तो हमारा जी भरता। अब तो वह तुझे ले जाए तो कुछ हचर पचर न कीजियो, उसको साथ ही लीजियो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहां इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरु जी ने तो दोनों राज का खोज खोया उदय भान और उसके माँ बाप दोनों अलग हो रहे, जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होती तो ये बातें काहे को सामने आती। मदन बान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती हुई पड़ी फिरती थी। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की दहाड़ों में उदय भान चिंघारती हुई आ निकली। एक ने एक को ताड़कर पुकारा, अपनी तनी आंखें धो डालो। एक डबरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई, गले लग के ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूस सी पड़ गई। छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक अच्छी सी छांव को ताड़कर आ बैठियां और अपनी अपनी दोहराने लगी बातचीत रानी केतकी की मदन बान के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदन बान वही अगला झीकना झीका की, और उनके माँ बाप ने जो उनके लिए जोग साधा था, जो वियोग लिया था, सब कहा। जब यह सब कुछ हो चुकी तब फिर हंसने लगी रानी केतकी, उसके हंसने पर रुक कर कहने लगी, हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत, आप हंसे जी आप हंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया, पाव का क्या ढूंढती, हाँ जी में काटा लग गया। पर मदन बान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूछते चले, उनने यह बात कही,
जो तुम कहीं ठहरी तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गोसाई महेंद्र गिर, जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुए की मुट्ठी में है। अब भी जो मेरा कहा तुम्हारे ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं। हम क्या पड़ी बकती हैं, मैं इस पर बीड़ा उठाती हूं। बहुत दिनों पीछे रानी केतकी ने इस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवे। मदनबान का महाराज और महारानी के पास फिर आना और चिच्चा ही बात सुनना। मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठी थी झट से आदेश करके आ खड़ी हुई और कहने लगी, लीजिए आप राज कीजिए, आपके घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ, उन्हीं के हाथों की लिखी चिट्ठी लाई हूँ, आप पढ़ लीजिए, आगे जो जी चाहे सो कीजिए। महाराज ने उस बदहंबर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर रख के फूंक दिया। बात की बात में गोसाई महेंद्र गिर आ पहुंचा और जो कुछ नया स्वांग जोगी जागिन का आया आंखों देखा, सबको छाती लगाया और कहा, बदहंबर इसीलिए तो मैं सौंप गया था कि जो तुम पर कुछ हो तो इसका एक बाल फूंक दीजिए, तुम्हारी अगत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे, पर तुम क्या करो, यह खिलाड़ी जो रूप चाहे सौ दिखावे, जो नाच चाहे सौ नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था, हिरनी हिरन उदय भान और सूरज भान उसके बाप और लक्ष्मी बास उसकी माँ को मैंने क्या किया। फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कोई बड़ी बात न थी। अच्छा हुई सो हुई, अब उठ चलो, अपने राज पर विराजो और ब्याह को ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो, कुंवर उदयभान को मैंने अपना बेटा किया और उसको लेके मैं ब्याह ने चढ़ूंगा। महाराज यह सुनते ही अपनी गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी यह कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मढ़ो और सोने और रूपे के सुनहरे रुपहरे सहरे सब झाड़ पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोतियों की लड़ियां बांध दो और कह दो 40 दिन रात तक जिस घर में नाच 8 पहर न रहेगा उस घर वाले से मैं रूठ रहूंगा और 6 महीने कोई चलने वाला कहीं न ठहरे, रात दिन चला जावे। इस हेर फेर में वह राज था, सब कहीं यही डॉल था। जाना महाराज महारानी और गोसाई महेंद्र गिर का। रानी केतकी के लिए फिर महाराज और महारानी और महेंद्र गिर मदनबान के साथ, जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खिंचे हुए बैठी हुई थी, चुप चुपाते वहां आन पहुंचे। गुरुजी ने रानी केतकी को अपने गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर सिधारो, अब मैं बेटे उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गोसाई जिनको दंडित हैं सो तो वह सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेगी। यहाँ पर धूमधाम और फैलावा अब ध्यान कीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में कह दिया, यह पुकार दे जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होवेगी। गांव गांव में अपने सामने छिपोले बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा के मोट धनुष की और गोखरू रुपहले सुनहरे की किरने और डांक टांक टांक रखो, और जितने बड़ पीपल नए पुराने जहां जहां पर हों उनके फूल के सहरे बड़े बड़े ऐसे जिसपे सिर से लगा पैर तलक पहुंचे बांधो। चौतुक्का। पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पांव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटे बूटे ने फूल फूल के गहने पहने, जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डह डहे और हरियावल फल पात थे
सबने अपने हाथ में चचही मेहंदी की रचावट के साथ जितनी सजावट में समा सके कर लिए, और जहां जहां नई ब्याही दुल्हने नन्ही नन्ही फलियों की और सुहागिने नई नई कलियों के जोड़े पंखड़ियों के पहने हुए थीं, सबने अपनी गोद सुहाए और प्यार के फूल और फलों से भरी, और 3 बरस का पैसा सारे उस राज के राज भर में जो लोग दिया करते थे, जिस ढब से हो सकता था खेती बारी करके हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेचकर, सो सब उनको छोड़ दिया और कहा जो अपने अपने घरों में बनाव की ठाट करे, और जितने राज भर में कुएं थे खड़सालों की खड़सालें उनमें उड़ेल गईं, और सारे बनों और पहाड़ तनियों में लाल पटों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी, और जितनी झीलें थीं उसमें कुसुम और टेसू और हरसिंगार पड़ गया, और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई, फुनगे से लगा जड़ तलक, जितने झाड़ झंझाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी उन पर रुपहरी सुनहरी डाक गोंद लगाकर चिपका दिया, और सबों को कह दिया जो सही पगड़ी और बान बागे पिन कोई किसी डॉल किसी रूप से फिर चले नहीं, और जितने गवैये बजाइए भाड़ भगतिये रहस्यधारी और संगीत पर नाचने वाले थे, सबको कह दिया जिस जिस गांव में जहां जहां हो अपनी अपनी ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछौने बिछाकर गाते नाचते धूम मचाते कूदते रहा करें। ढूंढना गोसाई महेंद्र गिर का कुंवर उदयबान और उसके माँ बाप को न पाना और बहुत तलमलाना। यहाँ की बात और चूहले जो कुछ हैं सो यहीं रहने दो, अब आगे यह सुनो। जोगी महेंद्र और उसके 90 लाख जातियों ने सारे बन के बन छान मारे, पर कहीं कुंवर उदयबान और उसके माँ बाप का ठिकाना न था। तब उन्होंने राजा इंदर को चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था, इन तीनों जनों को हिरनी हिरन कर डाला था, अब उनको ढूंढता फिरता हूं कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपनी सी बहुत कर चुका हूं। अब मेरे मुंह से निकला कुंवर उदयभान मेरा बेटा, मैं उसका बाप, और ससुराल में सब ब्याह का ठाट हो रहा है। अब मुझ पर विपत्ति गाढ़ी पड़ी, जो तुमसे हो सके करो। राजा इंदर चिट्ठी का देखते ही गुरु महेंद्र को देखने को सब इंद्रासन समेट कर आ पहुंचे और कहा, जैसा आपका बेटा वैसा मेरा बेटा, आपके साथ मैं सारे इंद्रलोक को समेट कर कुंवर उदयबान को ब्याहने चढ़ूंगा। गोसाई महेंद्र गिर ने राजा इंद्र से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसा सुझाइए जिससे कुंवर उदयभान हाथ आ जावे। राजा इंदर ने कहा, जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेकर हम और आप सारे बनों में फिरा करें, कहीं न कहीं ठिकाना लग जाएगा। गुरु ने कहा, अच्छा। हिरन हिरनी का खेल बिगाड़ना और कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का नए सिरे से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंदर और गोसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन राग के ध्यान में चौकड़ी भूल आस पास सर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंदर ने कहा, इन सब हिरनों पर पढ़ के मेरी सकत गुरु की भगत पूरे मंत्र ईश्वचर वाच पढ़ के एक एक छींटा पानी का दो, क्या जाने वह पानी कैसा था। छींटों के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जाने हिरने का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे हो गए। गोसाई महेंद्र गिर और राजा इंदर ने उन तीनों को गले लगाया और बड़ी आवभगत से अपने पास बिठाया और वहीं पानी घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवाया, जहां सिर मुड़वाते ही ओले पड़े थे। राजा इंदर के लोगों ने जो पानी के छींटे वही ईश्वरोवाच पढ़ के दिए तो जो मरे थे सब उठ खड़े हुए, और जो अधमुए भाग बचे थे सब सिमट आए। राजा इंदर और महेंद्र गिर कुंवर उदय भान और राजा सूरज भान और रानी लक्ष्मीबास को लेकर एक उड़न खटोलों पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनको उनके राज पर बिठाकर ब्याह का ठाट करने लगे। पसेरियन हीरे मोती उन सब पर से न्योछावर हुए।
राजा सूरज भान और कुंवर उदय भान और रानी लक्ष्मी बास चितचाही असीस पाकर फूली न समाई और अपने सारे राज को कह दिया, जेवर भोरे के मुंह खोल दो, जिस चीज को जो जा उकत सूझे बोल दो। आज के दिन का सा कौन सा दिन होगा, हमारी आंखों की पुतलियों का जिससे चैन है, उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरनों के रूप से निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए जिन जिन की बेटियां बिन ब्याही हों उन सब को उतना कर दो जो अपनी जिस चाव चीज से चाहे अपनी गुड़िया सवार के उठावे, और जब तक जीती रहे सब की सब हमारे यहाँ से खाया पकाया रीधा करे, और सब राज भर की बेटियां सदा सुहागने बनी रहे और सूहे रातें छूट कभी कोई कुछ न पहना करे, और सोने रूपे के केवाड़ गंगा जुमनी सब घरों में लग जाएं, और सब कोठों के माथे पर केसर और चंदन के टीके लगे हों, और जितने पहाड़ हमारे देश में हो उतने ही पहाड़ सोने रूप के आमने सामने खड़े हो जाएं, और सब डांगों की चोटियां मोतियों की मांगे तांगे भर जाएं, और फूलों के गहने और बंधनवार से सब झाड़ पहाड़ लदे फदे रहें, और इस राज से लगा उस राज तक अधर में छत सी बांध दो, और चप्पा चप्पा कहीं ऐसा न रहे जहां भीड़ भड़क का धूम धड़क का न हो। फूल बहुत सारे बहा दो जो नदियों जैसे सचमुच फूल की बहियां हैं यह समझ जाएं, और यह डॉल कर दो जिधर से दूल्हे को ब्याहने चढ़े सब लाडली और हीरे पन्ने पोखराज की उम्र में इधर और उधर कबैल की टट्टियां बन जाएं और क्यारियां सी हो जाएं जिनके बीचों बीच में से हो निकले, और कोई डांग और पहाड़ी तली का चढ़ा उतार ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पंखुड़ियों से भरी हुई न हो। राजा इंद्र का कुंवर उदय भान का साथ करना राजा इंद्र ने कह दिया। वरंडियां चुलबुलियां जो अपने मद में उड़ चलियां हैं उनसे कह दो, सोलहों सिंगार बास गोंद मोती पिरो अपने अचरज और अचंभे के उड़न खटोलों का इस राज से लेकर उस राज तक अधर में छत बांध दो। कुछ इस रूप से उड़ चलो जो उड़न खटोलियां की क्यारियां और फुलवारियां सैकड़ों कोस तक हो जाएं, और अधर ही अधर मृदंग बीन जल तरंग मुहचग घुंघरू तबले घंटगा घंटताल और सैकड़ों इस ढब के अनोखे बाजे बसते जाएं, और उन क्यारियों के बीच में हीरे पुखराज अनवेधे मोतियों के झाड़ और लाल पटों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे, और इन्हीं लाल पटों में से हथफूल फुलझड़ियां जाही जूही कदम गेंदा चमेली इस ढब से छूटने लगे जो देखने वालों को छातियों के किवाड़ खुल जाएं, और पटाखे जो उछल उछल फूटे उनमें हंसती सुपारी बोलती करौती ढल पड़े, और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी में मोतियों की लड़ियां झड़े और सबके सब उनको चुन चुन के राजे हो जाएं, डोमनियों के जो रूप में सारंगियां छेड़ छेड़ सोहले गाओ दोनों हाथ हिला के उंगलियां बचाओ, जो किसी ने न सुनी हो वह ताओ भाओ वह चाओ दिखाओ, ठुड्डियां गिन गिनाओ नाक भवें तान तान भाव बताओ, कोई छुटकर न रह जाओ ऐसा चाओ लाखों बरस में होता है। जो जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था आग की झपक के साथ वही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों महाराजाओं ने कह दिया था सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया, जिस ब्याह की यह कुछ फैलावट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस झमकट के साथ होगी, और कुछ फैलावा क्या कुछ होगा यही ध्यान कर लो। ठाठो करना गोसाई महेंद्र गिर का। जब कुंवर उदयभान को वे इस रूप से ब्याहने चढ़े और वह ब्राह्मण जो अधेरी कोठी से मुंदा हुआ था उसको भी साथ ले लिया और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, ब्राह्मण देवता हमारे कहने सुनने में ना जाओ, तुम्हारी जो रीत चली आई है बताते चलो। एक उड़न खटोले पर वह भी रीत बता के साथ हो लिया।
राजा इंदर और गोसाई महेंद्र गिर एरावत हाथी ही पर झूलते झालते देखते भालते चले जाते थे। राजा सूरजभान दूल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इसी में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। उस सन्नाटे में से जो वह 90 लाख अतीत थे, अब जोगी से बने हुए सब माले मोतियों की लड़ियों की गले में डाले हुए और गांतियां उस ढप की बांधे हुए मृग छालों और बगंबरों पर आ ठहर गए। लोगों के जीवों में जितनी उमंगे छा रही थीं वह चौगुनी पचगुनी हो गईं। सुखपाल और चंडोल और रथों पर जितनी रानियां थीं महारानी लक्ष्मीदास के पीछे चली आतियां थीं, सबको गुदगुदियां सी होने लगी। इसी में भरथरी का स्वांग आया। कहीं जोगी जातियां आ खड़े हुए, कहीं कहीं गोरख जागे, कहीं मुचंदर नाथ भागे, कहीं मच्छ कच्छ बरा सम्मुख हुए, कहीं परशुराम कहीं वामन रूप कहीं हरनाकुश और नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण सीता सामने आई, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे के सारा सामने दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी की जन्माष्टमी होना और वासुदेव का गोकुल ले जाना और उनका बढ़ चलना, गायें चरनी और मुरली बजानी और गोपियों से धूमे मचानी और राधिका रहस्य और कुब्जा का बस कर लेना, वही करील की कुंजे बसी बट चीर घाट वृंदावन सेवा कुंज बरसाने में रहना और कन्हैया से जो जो हुआ था सब का सब जीवों का त्यों आंखों में आना और द्वारका जाना और वहां सोने का घर बनाना, इधर ब्रिज को न आना और 1600 गोपियों का तल मलाना सामने आ गया। उन गोपियों में से उद्धव का हाथ पकड़कर एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया जो इस ढप से बोल के उनसे रुधे हुए जी को खोले थी। चौचुक्का जब छाड़ी करील को कुंजन को हरिद्वारिका जीव मा जाए बसे, कल धौत के धाम बनाए घने महाराजन के महाराज भये, तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु और ही नाते जाड़ लिए, धरे रूप नए किए नेह नए और गैया चरावन भूल गए। अच्छापन घाटों का कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के चांदी के थक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़े भौलिए बजरे लचके मोरपंखी श्याम सुंदर राम सुंदर और जितनी ढप की नावें थीं, सुनहरी रुपहरी सजी सजाई कसी कसाई और 100-100 लचके खातियां आतियां जातियां ठहरातियां फिर आतियां थीं। उन सभी पर खचा खच कचनियां रामजनियां डोमनियां भरी हुई अपने अपने कर्तव्यों में नाचती गाती बजाती कूदती फांदती धूमे मचातियां अंगड़ातियां जमातियां उंगलातियां नचातियां और ढुली पड़ जातियां थीं। और कोई नाव ऐसी न थी जो सोने रूप के पत्रों से मढ़ी हुई और सवारों से भरी हुई न हो, और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी डब के थे। उन पर गायने बैठी झूलती हुई सोहनी केदार बागेसरी कामड़ों में गा रही थी। दल बादल ऐसे निवाड़ों के सब झीलों में छा रहे थे। आप पहुंचना कुंवर उदय भान का ब्याह के ठाट के साथ दुल्हन की ट्योढ़ी पर इस धूमधाम के साथ कुंवर उदय भान सहरा बांधे दुल्हन के घर तक आ पहुंचे। और जो रीतें उनके घराने में चली आई थी होने लगियां। मदन बान रानी केतकी से ठठोली करके बोली, लीजिए अब सुख समेटिए, भर भर झोली सिर निभाए क्यों बैठी हो, आओ ना टुक हम तुम मिलके झरोखों से उन्हें झांके। रानी केतकी ने कहा, नरी ऐसी नीच बातें ना कर, हमें ऐसा क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी झेल कर रेल पेल ऐसी उठे और तेल फुलेल भरी हुई उनके झांकने को जा खड़ी हो। मदन बान उसकी इस रुखाई को उड़नझाई की बातों में डालकर बोली, बोलचाल मदन बान की अपनी बोली के दोहों में, यो तो देखो वा छड़े जी वा छड़े जी वा छड़े, हमसे जो आने लगी है आप यो मुहरे कड़े, छान मारे बन के बन थे आपने जिनके लिए, वह हिरन जी वन के मद में है बने दूल्हा खड़े, तुम न जाओ देखने को जो उन्हें क्या बात है, ले चलेगी आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े, है कहावत जी को भावे और यों मुड़िया हिले, छाकने के ध्यान में उनके हैं सब छोटे बड़े। सांस ठंडी भर के रानी केतकी बोली कि सच, सब तो अच्छा कुछ हुआ पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी
होना मदन बान का रानी केतकी पर और उनकी बात सुनना और उनिंदेपन से ऊंघना। उस घड़ी मदन बान को रानी केतकी का बादले का जूड़ा और भीना भीनापन और अखड़ियों का लजाना और बिखरा बिखरा जाना भला लग गया तो रानी केतकी की बात सुनने लगी और अपनी आंखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊंघने लगता है। सिर से लगा पांव तक वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी। तब रानी केतकी झट एक धीमी सी सिसकी लचके के साथ ले उठी। मदन बान बोली, मेरे हाथ के ठहोके से वही पांव का छाला दुख गया होगा जो हिरनों की ढूंढने में पड़ गया था। इसी दुख की चुटकी से रानी केतकी ने महसूस कर कहा, काटा अड़ा तो अड़ा, छाला पड़ा तो पड़ा, पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पर छाला हुई। सराहना रानी केतकी के जोबन का केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भैवों का खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नुकीली पलकों की रुधावट, हंसी की लगावट और दंतड़ियों में मिस्सी की उधाट और इतनी सी बात पर रुकावट है। नाक और त्योरी का चढ़ा लेना, सहेलियों को गालियां देना और चल निकलना और हिरनों के रूप से कर छाले मार कर परे उछलना कुछ कहने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के जोबन का। कुंवर उदयबान के अच्छे पन का कुछ हाल लिखना किससे हो सके। हाय रे उनके उभार के दिनों का सुहावनापन, चाल ढाल का अच्छन बच्छन, उठती हुई कपोलों की काली फबन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तड़के धुंधले के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरण निकल आती है, यही रूप था। उनकी भीगी मसों से रस टपका पड़ता था। अपनी परछाई देखकर अकड़ता जहां जहां छांव थी, उसका डॉल ठीक ठीक उनके पांव तले जैसे धूप थी। दूल्हा का सिंहासन पर बैठना। दूल्हा उदयभान सिंहासन पर बैठा और इधर उधर राजा इंदर और जोगी महेंद्र गिर जम गए और दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने और अधर में जो उड़न खटोले राजा इंदर के अखाड़े के थे सब उसी रूप से छत बांधे थिरका किए। दोनों महारानियां समधिन बन के आपस में मिलियां चलियां और देखने दाखने को कोठों पर चंदन के किवाड़ों के आड़ तले आ बैठियां। सर्वांग संगीत भड़ताल रहस हंसी होने लगी। जितनी राग रागनियां थीं, इमन कल्याण, सुध कल्याण, झिंझोटी, कन्हाड़ा, खमाच, सोहनी, परज, बिहाग, सोरठ, कालगंडा, भैरवी, गीत, ललित, भैरी, रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं उसी रूप में अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लागियां। उस नाच का जो ताव भाव रचावट के साथ हो किसका मुंह जो कह सके। जितने महाराजा जगत प्रकाश के सुख चैन के घर थे, माधव बिलास, रामदास, कृष्ण निवास, मच्छी भवन, चंद्र भवन, सबके सब लपे लपेटे और सच्ची मोतियों की झालरें अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक भेस के साथ मतवालों के बैठन वालों के मुंह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के एक आरसी धाम बना था जिसकी छत और किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी ईंट पत्थर की पुट एक उंगली के पोर बराबर न थी। चांदनी सा जोड़ा पहने जब रात घड़ी एक रह गई थी तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बैठकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदय भान कन्हैया सा बना हुआ, सिर पर मुकुट धरे, सेहरा बांधे, उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांद सा मुखड़ा लिए आ पहुंचा। जिस जिस ढब में ब्राह्मण और पंडित बहते गए और जो जो महाराजों में रीते होती चली आई थी उसी डॉल से उसी रूप से भवरी गठजोड़ हो लिया। अब उदय भान और रानी केतकी दोनों मिले। घास के जो फूल कुमलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जिस एक को उस एक बिन। रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। एक खिलाड़ी यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ। आन कर आपस में जो दोनों का गठजोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए ऐ मेरे दाता सब तेरे।
दिन फिरे जैसे इन्हों के वैसे दिन अपने फिरे। वह उड़न खटोली वालियां जो अधर में छत सी बांधे हुए थिरक रही थीं, भर भर झोलियां और मुट्ठियां हीरे और मोतियां से निछावर करने के लिए उतर आईयां, और उड़न खटोले अधर में ज्यों के त्यों छत बांधे हुए खड़े रहे। और वह दूल्हा दुल्हन पर से साथ साथ फेरे वारी फेर होने में पिस गईयां, सबों को एक चुपकी सी लग गई। राजा इंद्र ने दुल्हन को मुंह दिखाई में एक हीरे का एक डाल चपरखट और एक पेड़ी पुखराज की दी, और एक परजात का पौधा जिसमें जो फल चाहो सो मिले दूल्हा दुल्हन के सामने लगा दिया, और एक कामधेनु गाय की पठिया बछिया भी उसके साथ बांध दी, और 21 लौंडियां उन्हें उड़न खटोलियां वालियों में से चुनकर अच्छी से अच्छी सुथरी से सुथरी गाती बजातियां सीतियां पिरोतियां और सुधर से सुधर सौंपी, और उन्हें कह दिया, रानी केतकी छूट उनके दूल्हा से कुछ बात चीत न रखना, नहीं तो सबकी सब पत्थर की मूरत हो जाओगी और अपना किया पाओगी। और गोसाई महेंद्र गिर ने 52 तोले पाख रत्ती जो उसकी 21 चुटकी आगे रखी और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए बहुत सा तांबा गला के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने सबों से यह कह दिया, जो लोग उनके ब्याह में जागे हैं उनके घरों में 40 दिन रात सोने की नदियों के रूप में मणि बरसे, जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसे। 9,99,000 गायें सोने रूपे की सिंगौरियों की जड़ाओं गहना पहने हुए घुंघरू छमछमातियां महंतों को दान हुई, और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 2200 हाथी और 1900 ऊंट रुपयों के तोड़े लादे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा रुपयों का तोड़ा जड़ाऊं कपड़ों के जोड़े न मिले हों। और मदन बान छुट दुल्हा दुल्हन के पास किसी का हियाव न था जो बिना बुलाए चली जाए। बिना बुलाए दौड़ी आए तो वही, और हंसाए तो वही हंसाए। रानी केतकी के छेड़ने के लिए उनके कुंवर उदयभान को कुंवर क्योंड़ा जी कहके पुकारती थी और ऐसी बातों को सौ स्वरूप से संवारती थी। दोहरा घर बसा जिस रात उन्हीं का, तब मदन बान उसी घड़ी कह गई दूल्हा दुल्हन से ऐसी 100 बातें कड़ी। जी लगा कर केवड़े से केतकी का जी खिला, सच है इन दोनों जियों को अब किसी की क्या पड़ी। क्या न आई लाज कुछ अपने पराए की अजी, थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हड़बड़ी। मुस्करा के तब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोगरा सा हो कोई खोले जो तेरी गुल छड़ी। जी में आता है तेरे ओठों को मलवा लूं अभी, बल बे ऐ रंडी तेरे दांतों की मिस्सी की घड़ी। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी ममता सिंह देवा की आवाज में सैयद इंशाअल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कहानी। आप सभी से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।